ओम नमः शिवाय। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आपकी राशि, आपका भविष्य 13 जुलाई 2023 गुरुवार क्या है आपके नसीब में जानते हैं। मेष राशि, शुभ रंग पीला, शुभ अंक 4, शुभ समय दोपहर 4 बजे के पहले रहेगा। आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिन के उत्तरार्ध में ज्यादा तनाव न लें और आराम करें। तब तक कोई वादा न करें जब तक आप खुद यह न जानते हो कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। कई बार मोबाइल चलाते चलाते आपको समय का पता ही नहीं चलता और फिर जब आप अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं तो आपको पछतावा होता है। लोगों की दखलंदाजी वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है। उपाय, अनंतमूल की जड़ को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने पास रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गीता ज्ञान अमृत, कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। वृष राशि, शुभ रंग पीला, शुभ अंक 4, शुभ समय दोपहर 2 बजे के बाद रहेगा। आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफे पर जरूरत से ज्यादा वक्त न खर्च करें। अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे का प्रबंधन न करने दें, नहीं तो जल्दी ही आप अपने तयशुदा बजट से कहीं आगे निकल जाएंगे। रोमांस के नजरिए से आज जिंदगी बहुत जटिल रहेगी। जो लोग अब तक बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छी जॉब पाने के लिए आज और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करके ही आप सही परिणाम पा पाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं तो वो आज आपसे शिकायत कर सकते हैं क्योंकि आप उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाते। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के आखिर में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को सहलाएगा। उपाय, बहन, बेटी, मौसी, बुआ या साली की सहायता करना पारिवारिक जीवन के लिए शुभ है। गीता ज्ञान अमृत, कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। मिथुन राशि, शुभ रंग हरा, शुभ अंक 3, शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद रहेगा। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा, लेकिन ख्याल रखें कि इसे नजरअंदाज करना बाद में भारी पड़ सकता है। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है। पारिवारिक समस्याओं को प्राथमिकता दें। इस बारे में बिना देर किए बातचीत करें क्योंकि एक बार इस समस्या के हल हो जाने पर घर में जीवन बहुत आसान हो जाएगा और परिवार के लोगों को प्रभावित करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो भी बोलें, सोच समझकर बोलें, क्योंकि कड़वे शब्द शांति को नष्ट करके आपके और आपके प्रिय के बीच दरार पैदा कर सकते हैं। अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम का श्रेय कोई दूसरा ले सकता है। यात्रा और भ्रमण वगैरह न सिर्फ आनंददायक सिद्ध होंगे बल्कि काफी शिक्षाप्रद भी रहेंगे। आस पड़ोस की किसी सुनी सुनाई बात को लेकर आपका जीवन साथी तिलकाताड़ बना सकता है। उपाय, मंगल रुद्र रूप है इसलिए भगवान शिव का कोई भी मंत्र पढ़ते रहने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। गीता ज्ञान अमृत, कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। कर्क राशि, शुभ रंग लाल, शुभ अंक 1, शुभ समय सुबह 11 बजे से रहेगा। शारीरिक लाभ के लिए विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें।
घर में किसी फंक्शन के होने की वजह से आज आपको बहुत धन खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। आपके प्रिय का प्यारा बर्ताव आपको खास होने का अनुभव कराएगा। इन लम्हों का पूरा लुत्फ उठाएं। लंबित व्यावसायिक योजनाएं शुरू होंगी। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आज आप खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे और एकांत में आनंदित रहेंगे। कई लोग साथ तो रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में रोमांस नहीं होता। लेकिन यह दिन आपके लिए बेहद रोमानी होने वाला है। उपाय: स्नान करने के बाद सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर करने से आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। गीता ज्ञान अमृत: कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। सिंह राशि: शुभ रंग आसमानी। शुभ अंक 2। शुभ समय शाम 6 बजे के पहले रहेगा। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। कास लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें संभावना नजर आए और विशेष हो। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए अच्छा दिन है। प्रेम के नजरिए से आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। जो लोग अब तक बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छी जॉब पाने के लिए आज और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करके ही आप सही परिणाम पा पाएंगे। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं, आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह बढ़िया दिन है। साथ में एक अच्छी शाम गुजारने की योजना बनाएं। उपाय: दादा की उम्र के किसी बुजुर्ग की सेवा सहायता करने से नौकरी व बिजनेस में उन्नति होगी। गीता ज्ञान अमृत: कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। कन्या राशि: शुभ रंग नीला। शुभ अंक 5। शुभ समय सुबह 10 बजे के बाद रहेगा। शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहने के लिए धूम्रपान की आदत छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह लें। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा समय है। हर रोज प्रेम में पड़ने की अपनी आदत को बदलिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मकता कहीं खो गई है और फैसले करने में आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़ के आज के दिन को आप अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ तनातनी मुमकिन है, लेकिन शाम के खाने के साथ चीजें भी सुलझ जाएंगी। उपाय: रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करने से नौकरी या बिजनेस में उन्नति होगी। तुला राशि: शुभ रंग गुलाबी। शुभ अंक 4। शुभ समय दोपहर 12 बजे के बाद रहेगा। आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश करें। अगर आप घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ाई करते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें जो आपका धन और समय बर्बाद करते हैं। आपकी स्वच्छंद जीवन शैली घर में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए देर रात तक बाहर रहने और ज्यादा खर्च करने से बचें। आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लें। आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीकी से गौर करते हैं। किसी पार्क में घूमते समय आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिससे अतीत में आपके मतभेद थे। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं।
लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। उपाय: कांसे के बर्तन में ताजी मूली रखकर किसी भी मंदिर में देने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा। गीता ज्ञान अमृत: कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। वृश्चिक राशि: शुभ रंग पीला। शुभ अंक 7। शुभ समय सुबह 9 बजे के बाद रहेगा। भाग्य पर निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। बच्चे को अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें, हालांकि किसी चमत्कार की उम्मीद न करें। आपका प्रोत्साहन निश्चित तौर पर बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आज आपके दिल की धड़कने अपने प्रिय के साथ ताल से ताल मिलाती मालूम होंगी। जी हाँ, यह प्यार का ही खुमार है। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहें। आज आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा। विवाह के बाद कई बातें जरूरत से आगे बढ़कर अनिवार्य हो जाती हैं। आज ऐसी ही कुछ बातें आपको व्यस्त रख सकती हैं। उपाय: अपने इष्ट देव की सोने की मूर्ति बनाकर घर में स्थापित करके रोजाना पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गीता ज्ञान अमृत: कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। धनु राशि: शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 8। शुभ समय शाम 5 बजे के पहले रहेगा। आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। अगर आप छात्र हैं और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर की आर्थिक तंगी आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है। आपके प्रियजन खुश हैं और आपको शाम के लिए उनके साथ कोई योजना बनानी चाहिए। आज के दिन अपने प्रिय से कोई तल्ख बात न कहें। आपके साझीदार आपकी नई योजनाओं और विचारों का समर्थन करेंगे। आपने बीते दिनों कार्यक्षेत्र में कई काम अधूरे छोड़े हैं जिसका भुगतान आज आपको करना पड़ सकता है। आज आपका खाली वक्त भी ऑफिस के काम को पूरा करने में ही लगेगा। जीवन साथी से बिना पूछे योजना बनाएंगे तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। उपाय: अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने जाने से पूर्व हरी इलायची खाकर जाना लव लाइफ के लिए शुभ रहेगा। गीता ज्ञान अमृत: कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। मकर राशि: शुभ रंग लाल। शुभ अंक 2। शुभ समय सुबह 5 बजे के बाद रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। इस राशि के बड़े कारोबारियों को आज के दिन बहुत सोच समझकर पैसा निवेश करने की जरूरत है। परिवार में किसी बुजुर्ग की खराब तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। आपके प्रिय की खराब तबीयत के चलते रोमांस को दरकिनार होना पड़ सकता है। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहें। इस राशि के जातक आज लोगों से मिलने से ज्यादा अकेले में वक्त बिताना पसंद करेंगे। आज आपका खाली समय घर की सफाई में बीत सकता है। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर फूट पड़े। उपाय: पारिवारिक खुशियों की प्राप्ति के लिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गीता ज्ञान अमृत: कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। कुंभ राशि: शुभ रंग गुलाबी। शुभ अंक 4। शुभ समय सुबह 10 बजे के बाद रहेगा। स्वतः ही अपनी चिकित्सा करना घातक सिद्धा होगा। कोई भी औषधि लेने से पहले चिकित्सक की सलाह लें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। पुराने निवेशों के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है।
बच्चे ज्यादा वक्त साथ बिताने की मांग करेंगे, लेकिन उनका बर्ताव सहयोगी और समझदारी भरा होगा। प्रेमी को आज आपकी कोई बात चुभ सकती है। वो आपसे रूठें इससे ही पहले ही अपनी गलती का एहसास कर लें और उन्हें मना लें। इस राशि के जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको महसूस हो सकता है कि रचनात्मक कार्य करने से बेहतर नौकरी करना था। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का भरपूर समय मिलेगा। उपाय: केले के पेड़ की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गीता ज्ञान अमृत: कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। मीन राशि: शुभ रंग हरा। शुभ अंक 9। शुभ समय दोपहर 2 बजे के बाद रहेगा। खुद को सेहतमंद और दुरुस्त रखने के लिए वसायुक्त और तली भुनी चीजों से दूर रहें। अचानक आए खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। अपने प्रिय की छोटी मोटी भूल को अनदेखा करें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आप न चाहते हुए भी कोई गलती कर बैठेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की डांट सहनी पड़ सकती है। कारोबारियों के लिए दिन सामान्य रहने की उम्मीद है। इस राशि के जातक आज खाली वक्त में रचनात्मक काम करने का प्लान तो बनाएंगे, लेकिन उनका यह प्लान पूरा नहीं हो पाएगा। अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार और रुमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर जी पाएंगे। उपाय: चांदी का कड़ा धारण करना आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा। गीता ज्ञान अमृत: कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता।